अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो गए। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ AIOU। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ सता BA कोड 451 तालुकात आमा, इसके कुछ ओल्ड पेपर गैस पेपर से शेयर करने लगा हूँ। और ये आप लोगों के ओल्ड पेपर भी हैं और ये गैस पेपर भी हैं। ये 6 पेपर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा और इंशाल्लाह पूरा पेपर इन्हीं 6 पेपर से आएगा। उसके बाद इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और इसमें 5 सवाल आप लोगों ने हल करने होंगे। 8 सवाल टोटल होंगे। एक क्वेश्चन का जवाब 2.5 से 3 पेज पर लिखना है ताकि आप लोगों की राइटिंग भी इधर अच्छी शो हो। अगर इससे ज़्यादा भी लिखते हैं तो फिर बाकी क्वेश्चन भी ऐसे लिखने पड़ते हैं, तो फिर उधर से क्या होता है, वो राइटिंग ख़राब हो जाती है और हमें राइटिंग के भी नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इधर ये भी आपको बता दूं कि आप लोगों ने कटिंग वगैरह नहीं करनी है। आप लोगों ने अगर कोई गलत हो गया है ना, उसको कटिंग नहीं करना। कटिंग करने से वो हाईलाइट हो जाता है, आपने उसको उधर ही छोड़ देना है आपने, और अपना सवाल कंटिन्यू रखना है आप लोगों ने। तो उसके बाद सवाल नंबर 1 पे आ जाते हैं। तालुकात आमा से क्या मुराद है। नेज इसका तारीखी पस मंज़र बयान करें। इबलाकी अमल में तालुकात आमा की अहमियत पर मुफसिल नोट लिखे। तालुकात आमा के प्रोग्रामों की मनसूबाबंदी कैसे की जाती है तफसील से बयान करें। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में तालुकात आमा के खसूसी किरदार पर बहस करें। ये हो गया। उसके बाद आगे वाले पेपर की तरफ लेके चलता हूँ आप लोगों को। तालुकात आमा के बारे में आप क्या जानती है, ये देखो इधर ये सवाल रिपीट हो गया। ये इसका तारीखी पस मंज़र, इसका तारीखी पस मंज़र। उसके बाद मालियात सनात और तिजारत में तालुकात आमा की अहमियत और इसके जदीद रजनात बयान करें। तालुकात आमा में कौन कौन से ज़रा इबला के इस्तेमाल किए जाते हैं तफसील से लिखें। उसके बाद फिर तालुकात आमा के पेशा वराना अदाब और अखलाकियात बयान करें। प्रोपोगंडा और अफवाह के खदोखाल बयान करें। नेस पब्लिसिटी और इश्तहारबाजी में फ़र्क वाजे करें। ये हो गया। उसके बाद आगे वाले पेपर की तरफ लेके चलता हूँ। 2021 का पेपर है। इसके बाद मैंने इसी के साथ एक गेस भी शेयर करना है जो कि 21 का ही है। तालुकात आमा के बारे में आप क्या जानते हैं। नेस तालुकात आमा के फ़राइज़ में मनसबी बयान करें। तालुकात आमा की मुख्तलिफ़ इकसाम, तालुकात आमा के प्रोग्राम की मनसूबा साजी के मुख्तलिफ मराहिल बयान करें। तालुकात आमा के अमल में नशरियाती ज़राए, पाकिस्तान के निजी व सरकारी इदारे, अफसर तालुकात आमा कौन होता है। ये हो गया। उसके बाद आगे वाला ये गैस है, ये गैस भी है और ओल्ड पेपर भी है। तालुकात आमा से क्या मुराद है, ये तकरीबन बार बार रिपीट हो रहा है ये। उसके बाद एक मसाली शोबा तालुकात आमा का खाका किन इज़ा पर मुश्तमिल होता है। सरकारी तालुकात आमा की वजाहत कर दें। ये हो गया। तालुकात आमा के लिए रेडियो की क्या मौनियत सर अंजाम देता है। तालुकात आमा और अफवाह का आपस में क्या ताल्लुक है। तालुकात आमा और इबलाग आमा पर नोट लिखें, मुद्दा जर पर नोट लिखें। उसके बाद ये हमारा आखिरी पेपर है, ये प्रोपोगंडा वाला भी इसमें शेयर हो गया। तालुकात किन इकदाम तालुकात आमा के बारे में आप क्या जानते हैं, ये देखो इधर भी रिपीट हो गया ये। उसके बाद पाकिस्तान के निजी व सरकारी, ये भी रिपीट हो गया इन्हीं 6 पेपरों में। प्रोपोगंडा वाला भी रिपीट हो गया। अफसर तालुकात आमा के फ़राइज़, ये भी रिपीट हो गया। 4 सवाल तो मैंने आपको इसी में बता दिए मैंने। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस रिलीज़ पर तफसीली नोट लिखें। आप लोगों ने यही पेपर अपने अपने सामने रखने हैं और अपनी बुक से यही क्वेश्चन ढूंढने हैं। इन्हीं से आपने तैयारी करी, इनसे बाहर आपने नहीं जाना, क्योंकि ये 6 पेपर है, पेपर इनसे बाहर जा ही नहीं सकता है। एक साल में 1 से 2 सवाल रिपीट हो जाते हैं, ये तो फिर जो है 6 साल का पेपर है। तो आज की वीडियो इतनी थी। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह इसके बाद फिर आगे भी मज़ीद वीडियो के साथ हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।